हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो आज की वर्कशीट है हमारी वो गणित की वर्कशीट है, मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। और कौन सी क्लास के लिए? वो हमारी 7th क्लास के लिए हमारी आज की वर्कशीट है। बच्चों, जो हमारी कार्यपत्रक है जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं, उसका जो नंबर है वो 10 है और जो डेट याद रखें क्या है, 29 अक्टूबर 2020। आज क्या है? आज हम त्रिभुज और उसके गुण में क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण के बारे में पढ़ेंगे आज। अब तो हम पढ़ते हैं क्या है त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं, ये जो आपके एक स्थिति दे रखी है जहाँ आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है। ठीक है, आपको जो है तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे 10 फर्श से कितने मीटर की ऊंचाई पर? 10 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके लिए 1 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। 8 मीटर आपकी जो है लैडर है, जो सीढ़ी है, सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए, आपकी जो है ये दूरी है जो आपको निकालनी है। ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा बाद में आएगा। ठीक है, ये हम बाद में निकालेंगे। अब क्या है, हम पढ़ते हैं। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, क्या नाम था उनका, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से एक संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। किसकी दी? पाइथागोरस गुण की उन्होंने जानकारी दी। कि उन्होंने पाइथागोरस जो थे यूनानी दार्शनिक थे। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजाओं को कर्ण कहते हैं। क्या है आपकी जो समकोण है, समकोण आपका 90 डिग्री का होता है। क्या बोला उन्होंने, समकोण त्रिभुज के सामने के समकोण के सामने, ये आपका समकोण है, उसके सामने, उसके सामने क्या, ये वाली लाइन है आपकी, इसे क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। भुजा का, भुजा को कर्ण बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? भुजा को कर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या है, अब पाइथागोरस गुण के अनुसार हमें ये याद रखना है क्या, कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब जैसे आपका ये है, ये क्या है आपका कर्ण, ये क्या आपका कर्ण, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, मतलब बराबर है अन्य दोनों भुजाओं पर बनी वर्ग के क्षेत्रफल के योग के। मतलब जो हमारा बड़े वाला, हमारी जो बड़ी वाली भुजा होती है, ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगी। ये हमें जो गुण है ये हमें याद रखना है। इसको फॉर्मूले के रूप में हमने क्या लिख दिया, सी मान लिया कर्ण को, वो इज इक्वल टू हो गई एक भुजा और दूसरी भुजा के दोनों के वर्ग के योग के बराबर। ठीक है बेटा, और हमें ये दे रखा है समझाने के लिए कि जो हमारा ये होता है, ये हमारा कोई वो है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये आपकी एक भुजा है और ये आपकी दूसरी भुजा है। इसको आप कोई से को भी ए मान सकते हैं, कोई से को भी आप बी मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, आइए अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं क्या, कि एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो क्या बताइए, क्या ये त्रिभुज का समकोण होगा कि नहीं होगा? क्या है, एक की 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि ये समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या है, आपने जो पढ़ा था, आपने जो पाइथागोरस पढ़ी थी, इसमें जो ये कर्ण होता है, कर्ण की भुजा दोनों अन्य भुजाओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब जो कर्ण की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना, हम इसमें क्या देख रहे हैं, हल कैसे निकाला है इसका, 5 सेंटीमीटर, ये 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 3 से। ठीक है, तो कर्ण की भुजा कौन सी हो गई हमारी, कर्ण की भुजा कौन सी हो गई, 5। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो कर्ण की भुजा होती है वो दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है, और जो कर्ण की जो भुजा दोनों भुजाओं से बराबर बड़ी होती है। जैसे इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, एक 5 दे रखी है, एक 4, एक 3, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, वो है 5। तो ये क्या होगी हमारी, कर्ण की भुजा। तो इन्होंने ऐसे निकाल लिया, कर्ण की भुजा का वर्ग का है, हमें वर्ग मतलब इसको 2 बार हमें गुना करना है। अगर हम 2 बार इसको गुना करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा हमारा, 25 सेंटीमीटर, हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने दोनों भुजाओं को निकाला, दोनों भुजाओं का पहले हमने क्या निकाला, दोनों भुजाओं को प्लस कर दिया 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। 4 को जब हम 2 बार, जब हम 4 को 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा हमारा, 16। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 16 प्लस, और जब 3 को 3 बार 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9। हमने लिख दिया 9, और 16 और 9 कितने होते हमारे, 25। कितने हो जाते हैं, 25।
ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, इसलिए कर्ण का वर्ग कितना आया था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे जो दोनों भुजाओं का योग कितना, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कितना है हमारा, वो भी क्या है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें कर्ण की वर्ग की भुजा और वर्ग की भुजा का वर्ग और अन्य दो भुजाओं के योग के वर्गों का जो योग है, मतलब जो उनका वैल्यू आई है, वो भी क्या आई है हमारी, इक्वल आई है, बराबर आई है। इसलिए हमारा क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं, इसलिए कर्ण का वर्ग तथा अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अतः ये एक समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान दें, यदि कर्ण का वर्ग बराबर नहीं है अन्य भुजाओं दोनों भुजाओं के वर्ग का योग, तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है, हमारा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि हमें पता करना होगा कि ये समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। अब हमारे क्वेश्चन है अभ्यास के लिए, प्रश्न प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा निकालिए। हमारा क्या है, हमारी पहली स्थिति हमारी क्या है, ये वाली जो हमें लेटर वाली जो हमारी दे रखी थी, ये वाली कि हमारी एक हमें एक पेंटिंग उतारनी है, जो सीढ़ी की जो वो है वो 8 सेंटीमीटर। हम क्वेश्चन निकालते हैं, हम आपके लिए हमने निकाल के दे रखा है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारी एक ये दे रखी थी, हमें पेंटिंग निकालनी है, इसकी इसकी क्या 10 मीटर और इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 8 मीटर। और हमने क्या पढ़ा था कि जो ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, उसको हम कर्ण कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगा दिया हमने, ये लगा दिया हमने, हमारी सी क्या है, इसमें हमारा कर्ण है, हमने 8 लगा दिया, बी हमारी एक भुजा हो गई और दूसरी भुजा हमें निकालनी ये वाली, हमारा ऐसे आ गया। लेकिन हमारा क्या आया है, ये माइनस में आया है और हमारी जो लंबाई होती है वो माइनस में आ नहीं सकती, तो ये क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है, ये क्वेश्चन संभव ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया आपका, गलत हो गया, बाय मिस्टेक हो सकता है कि ये हमारा ये सही तब होता जब हमें ऐसा दे रख, ये जब हमें कैसी वैल्यू दे रखी होती, हमें वैल्यू दे रखी होती ये 10 दे रखा होता, ये 8 दे रखा होता और हमें ये निकालना होता, तो हमारा क्वेश्चन जो है सही होता, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि जो ये वाला चीज़ होती है, ये हमारे जो कर्ण होता है इसकी लंबाई जो है दोनों भुजाओं से लंबी होती है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमें ये वाली वैल्यू दे रखी होती तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही निकलता, ठीक है, लेकिन हमें तो यही वैल्यू दे रखी है, तो इसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। आपको दो सिचुएशन दे रखी है, पहला 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर के, अब दूसरा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसमें आपको हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज संभव होगा। तो हम जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे। अब चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। पहले हमारी वैल्यू ये दे रखी है पाइथागोरस नियम के अनुसार, हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सी क्या है, हमारा कर्ण है, तो कर्ण की वैल्यू सबसे बड़ी, कर्ण की जो भुजा की लंबाई होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी क्या है इसमें 9, फिर 8 हमने ऐसे निकाल लिया। लेकिन जो ये आ रहा है ये ऐसे आ रहा है, ये इक्वल टू नहीं आ रहा, क्या कर्ण के वर्ग का योग और दोनों भुजाओं के वर्ग का योग क्या है, इक्वल टू नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा निकाल के क्या लिख देंगे, आप ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण का वर्ग जो हमने सी माना है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। आपको पूरा ऐसा लिखना है, उसके बाद आपको ऐसे भी लिखना है, इसको आपको रीज़न बताना है, कारण बताना है क्यों समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब दूसरा हमारे वैल्यू क्या दे रखे, दिए हमने ऐसी पाइथागोरस गुण के गुण लगा दिया, इसमें क्या हमने जो कर्ण की वैल्यू होती है वो बड़ी होती 10 मान लिया, 8 मान लिया, इसको ऐसे इनका गुणा कर दी, मतलब स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग में क्या होता है, हमें जो दे रखा तो उसको हम दो बार गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। ऐसे ही हमने 8 को दो बार गुणा करा तो 64 आ गया, 6 को करा 30 आ गया, वो 36 आ गया। अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 100 आ गया और हमने जब 64 को और 36 को प्लस किया तो हमारा क्या आ गया, हमारा 100 आ गया। अब क्या है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो कर्ण के वर्ग का योग और दोनों भुजाओं के वर्ग का योग क्या है, इक्वल टू आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये क्या है,
एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि आपको रीजन लिखना है, क्योंकि पाइथागोरस नियम के अनुसार, यहाँ पे आप गुण भी लग सकते हैं कि पाइथागोरस गुण के अनुसार वर्ग का कर्ण अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग योग के बराबर होता है। अगर आपने इतना छोड़ दिया तब आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा देना है, रीज़न भी हमें बताना होता है क्यों ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। से पहले बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों जाके अभी सब्सक्राइब करके आइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, आपका ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें कोण सी, जो आपका कोण सी दे रखा है ये वाला, ये एक 90 डिग्री का है, मतलब ये समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। आगे ही आप आगे की क्लासें पढ़ेंगे। यदि ए सी, अगर ये ए सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ए बी की लंबाई ये कर्ण होता है क्या है 13 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आपका कर रखा है, देखते हैं। ये रहा आपका कोण, क्वेश्चन क्या था आपका, आपका एक कोण दे रखा था, ये ए सी बी दे रखा था आपका, ये क्या है आपका एक समकोण है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 13 सेंटीमीटर, और ये क्या दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। हमें क्या है बी सी निकालना है, तो हम इसको एक्स मान लेंगे। अब पाइथागोरस गुण के अनुसार हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, क्या ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा कौन सी हमारी बी सी, और इसका बी सी और इसका भी स्क्वायर। हम अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी कितनी दे रखी है हमें 13, और हम क्या वर्ग लगा देंगे इसकी, ये 5x। फिर क्या होगा, हम जब 13 को हम दो बार मल्टीप्लाई, दो बार गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 169 आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हैं, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ 25 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये ऐसे दे रखा है, यहाँ 25 ले जाके हम x मान लेंगे, और इसकी वैल्यू हमारी 144 आएगी x। अब जब हम इस पे रूट चढ़ा देंगे, इसको क्या कहते हैं रूट चढ़ाना, ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, जब हम इसको रूट चढ़ा देंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका क्या x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए बी की वैल्यू, जो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, x को हमने क्या माना था बी सी, हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर। हमारी दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। आप यहाँ से इसको बेटा कर लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा है कि चित्र में, जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो, जो ये धागा है उसकी लंबाई। अब हमें कर्ण की लंबाई पता करनी है, कैसी अब हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें ये वैल्यू भी दे रखे क्या है 40 मीटर, हमें ये वैल्यू भी दे रखे कितनी है 30 मीटर। अब हमें ये वैल्यू निकालनी, ये क्या है हमारा कर्ण है, कर्ण, और उसमें क्या देखा पतंग की डोर दे रखी है, हमें धागा निकालना है, ये हमें ये वाली वैल्यू निकालनी, तो हम क्या लगा देंगे इसको एक्स लगा देंगे। अब फिर से हम पाइथागोरस के गुण के अनुसार चलेंगे, क्या है आपका क्वेश्चन ये रहा कि हमारा क्या था कि हमारा ये त्रिभुज बन रहा था, हमने इसको मान लिया, इस त्रिभुज को मान लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी, और x क्या होता है आपका पाइथागोरस गुण के अनुसार, ये कर्ण कर्ण होता है, इसको क्या बोलते हैं कर्ण। तो हमने पाइथागोरस नियम लगा दिया, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर, फिर उसका बी सी लिखा हमने, फिर उसकी स्क्वायर कर दिया। अब हमने ए सी निकालना, ए सी की हमने क्या माना x, तो हमने ऐसे निकाल के आपका क्वेश्चन हमारा आ गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू हमें कितनी आ गई 50 मीटर, मतलब जो पतंग की जो डोर है वो कितनी है 50 मीटर, कितनी है मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा आ गया है, या आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें ये जरूर याद रखना है जो हमें दे रखा था, नियमित रूप से अपने हाथों को हमें साबुन और पानी से बेटा धोने हैं। तो ये बेटा आज की आपकी जो है मैथ का आपकी आज की वर्कशीट है, आई होप को आपको समझ में आई होगी। और बच्चा दूसरी बात, और इसके क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने आएंगे, जो आप वर्कशीट में पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़िए, इसके जैसे दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे उसको अपने आप निकालने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना हम मैथ करेंगे हमें उतना हमें आएगा, जितनी प्रैक्टिस हम मैथ को देंगे ना हमें उतना वो हम सीखते जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा जो वीडियो है देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।